ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ 10 ਸਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੁਆਇਰ ਟੀਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਾਉਣਾ ਓ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਜ਼ਲਾਲ ਤੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਕਰਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਤਾ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਰਾਧਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਗਣਾ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨਾ ਬੋਲਣ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਸਾ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਦਦ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ सो जिन्हें लोग खुश आ अपना हाथ उपर करके थोड़ा जहा हिला जिन्हें खुश आ उ हिला जेडे थोड़े जे परेशान आ जा दुख नू लेके आओ भावें रहन दिओ जे प्रभु नू खुश हो के दिखाओगे तो परमेश्वर तुहानू इदा खुशी विच रखेगा सब बोलिए हालेलुया एक बार फिर खुश हो के हालेलुया हालेलुया बोले खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम की ओ जिंदा आसमान पर ओ जल्दी आने वाला हालेलुया सो मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा अज परमेश्वर ने समय दिता इस पिंड दे इस नगर दे विच कुछ परिवारां नूं जाके मिलिए जद मिले ते बहुत इस पिंड दे वल्लों इस नगर दे वल्लों खुदा दे खादमां नूं प्यार दिखाई दिता जोर नाल ताली बजाओ प्रभु दी प्रेस करो प्रभु दी वड्याई करो परमेश्वर दी सब लिए हालेलुया सो आप जी नूं पता है हर बार हर संडे मैं और सिस्टर जी और साडे नाल साडी टीम आण के जगत ते प्रभु दी आराधना करदी है परमेश्वर दे नाम दी महिमा करदे सो मैं चाहुंदा साडे विच पास्टर कुलदीप जी आए ने खुदा दे खादम आए ने सो अज दी आराधना ओह चलाउणगे आओ सी ताली बजा के उहनां दा स्वागत करांगे अज दी आराधना नूं आत्मा द्वारा चलाउणगे और परमेश्वर दे नाम दी महिमा करांगे हालेलुया थैंक यू जीसस सब लिए हालेलुया हालेलुया प्रभु दे हजूर आनंद दी भरपूरी है हालेलुया परमेश्वर दे हाथ विच खुशियां हन असी जिस तरह जबूरां विच लेखक लिखता है कि मैं खुश होया जदों मैनूं आखन लगे कि आओ खुदावन दे घर चलीए आओ खुदावन दे घर चलीए मैं खुश होया जदों मैनूं आखन लगे ਵੰਡਦਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ 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 ਯਿਸੂ Okay.
ओ कदे नहीं ओ हरदा गिरने नहीं वो देगा मुझको, हाँ मैं
दूसरा नहीं, दोनों हाथों ऊपर उठा के बोले हालेलुया। हालेलुया। भाई लोग भी बोल दिए बोले हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने हल्ले भी दोनों हाथ नहीं उठाए वो भी उठा के बोले हालेलुया। हालेलुया। अपनी सुस्ती नूं छड़ दे, अज खुदा दी आराधना करनी है। हालेलुया। हालेलुया। अजीजो असी थोड़े शॉर्ट समय दे विच ही इस नूं खत्म करांगे आराधना नूं। इस तों बाद साडे विचकार खुदा दी दासी जी आराधना करनगे। और मैं दसना चाहुंदा हाँ कि आराधना दौरान सब दियां अखां बंद हो जाण और प्लीज़ तुहाडे फोन भी बंद हो जाण। असी एक पवित्र हजूरी दे विच हाँ और मैं चाहवांगा कि कोई भी उठ के ना जावे, कोई बच्चा अपनी जगह तो ना हिले और सब ने ताड़ी बजा के खुदा दी महिमा करनी। एक बारी जोरदार ताड़ी बजा के खुदा दी महिमा करनी। जोरदार ताड़ी बजा के भाई लोग भी जोरदार हालेलुया। जेड़े बच्चे बाहर बैठे हो भी जोरदार ताड़ी बजा के बीच में है। हालेलुया। प्रभु यीशु अजीजो असी खुदा दी आराधना करनी है और असी अपने आप नु आराधना लिए तैयार करना है। अजीजो किसी की भी अख खोली नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। कोई भैन कोई भाई कोई बच्चा सब अपनी अखा नु बंद कर लवेंगे। अजीजो असी एक अहम हिस्से विच पहुंच चुके हाँ और असी खुदा की महिमा करांगे। हालेलुया। असी रल के खुदा की वड्याई करांगे और पवित्र आत्मा इस जगह ते पहुंच चुके हैं। असी पवित्र आत्मा का वेलकम करना है। बोली हालेलुया। रोके मंगिया दुआवां रूहे पाक दिया चलिया वावां ओ हन्ना रो रोके मंगिया दुआवां रूहे पाक दिया चलिया चोलियां परदाए यीशु कलियां नहीं छड़दा। खाली चोलियां परदाए यीशु कलियां नहीं छड़दा। और तुहाड़ी वारी है, तुसी साडे नाल मिल के गौणा। अजीजो मैं देख रहा सी जिन्नी देर तक आराधना चल रही सी अद्धे भैन भाई ताड़ी बजा रहे सी अद्धे नहीं। सानू सब नू लोड़ है खुदा दी। बोले हालेलुया। और सब ने ताड़ी बजा के अपने मुँह तो जिन्हां नू भजन आउंदा है उन्होंने नाल गाउणा है, जिन्हां नू नहीं आउंदा उन्होंने सुन के उस भजन नू साडे मगर खुदा दी महिमा करनी है। तुसी तैयार हो? तुसी तैयार हो? थोड़े जने तैयार हैं। अपनी बाह नू हिला के मैनू दस दिए किन्ने जने तैयार है खुदा दी आराधना करन लई। बोले हालेलुया। अजीजो तुसी खुदा दी आराधना रो के भी कर सकते हो, नच के भी आराधना कर सकते हो, अगर तुहाडा दिल करदा तुसी खड़े होके भी आराधना कर सकते हो। बोले हालेलुया। हालेलुया। ओ हन्ना रो रो के मंगिया दुआवां रूहे पाक दिया चलिया हवावां। ओ हन्ना रो रो के मंगिया दुआवां रूहे पाक दिया चलिया हवावां। खाली चोलियां परदाए यीशु कल्याण जोरदार हालेलुया। ओ खाली चोलियां परदाए यीशु कल्याण नहीं छड़दा। ओ हाथ प्यार नाल फड़दा ए ओ हाथ प्यार नाल फड़दा ए ओ यीशु कल्याण नहीं छड़दा। सारा जाके छड़ जांदा सारा जाके छड़े जांदा ए यीशु कल्याण नहीं। जोरदार ताली बजा के सारा जाके छड़े जांदा ए यीशु कल्याण नहीं छड़दा। ओ तूफाना च नाले हरेंदा बंदे अपने नू डुबने ना देंदा। ओ तूफाना च नाले हरेंदा बंदे अपने नू डुबने ना देंदा। ओ तूफाना च नाले हरेंदा ओ बंदे अपने नू डुबने ना देंदा। ओ तूफाना च नाले हरेंदा बंदे अपने नू डुबने ना। तुहाडी वारी है जोरदार। ओ तूफाना च नाले है जोरदार जोरदार हालेलुया। बंदे अपने नू डुबने ना देंदा।
यसु कल्या नहीं छड़दा सारा जागे छड़े जांदा ए यसु कल्ले जोदर लिया सारा जागे छड़े जांदा ए यसु कल्या नहीं छड़दा सारा जागे छड़े जांदा ए यसु कल्या नहीं छड़दा यसु कल्या नहीं छड़दा ओ हथ प्यार नाले फड़दा ए 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 यसु कल्या नहीं छड़दा जोरदार 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 सारा जागे छड़े जांदा जोरदार 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 हालेलुया कल्या नहीं छड़दा ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਹੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸੁਣੀਏ ਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਹੰਨਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਡਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਹ ਹੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਕੱਲਿਆ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਦਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਨਾਲੇ ਫੜਦਾ ਏ ਓਏ ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਨਾਲੇ ਫੜਦਾ ਏ ਓ ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਨਾਲੇ ਫੜਦਾ ਹੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰਦਾ ਏ ਯਸੂ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ
खाली चोलियां परदाए यीशु कलिया नहीं छड़े हाथ प्यार नाले फड़दाए हाथ प्यार नाले फड़दाए तू कलिया नहीं छड़दा सारा जगे छड़े जांदा जोरदार जोरदार हालेलुया छड़े सारा जग छे जाता है यसु कलिया रबा बबा 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 ओ रीबा रबा रबा रखा दरा रबा बबा बबा ओ रबा बबा 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 रीबा रबा रबा बबा 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 रखा दरा रबा 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 थैंक यू जीसस हालेलुया सच्चे दिल तो आराधना की थी अजीजो ईमान करना है कि बंधन खुल गए हैं जोरदार ताड़ी बजा के खुदारी महिमा करेंगे हालेलुया आओ सी उसकी पवित्र बाणी सुनांगे उस तो पहला साडे विचकार परमेश्वर दी सेवक बाल बाणी लेके आउन उस तो पहला असी परमेश्वर दी महिमा करांगे प्रार्थना करांगे प्रार्थना जावांगे कि अज दा वचन अज दी बाणी मेरे वास्ते मैनू बरकत मिले मैनू आशीष मिले खुदा दी दासी नाल मिलके दुआ करांगे सिस्टर संदीता जी अगे आउणगे अज दी प्रार्थना विच साडी अगवाई करांगे प्रार्थना द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड जीसस हालेलुया मसीह विच आए हुए सारे भैन भरावां नूं जय मसीह की खुदावन का शुक्र धन्यवाद जिस प्रभु ने एक बार फिर मौका दिता कि अस इस पवित्र भवन में इकट्ठे होकर प्रभु के नाँ की महिमा कर सके हाँ अजी जो खुदावन ने बहुत ज़्यादा आत्मा भेज के एक एक छूया एक एक टच किया इसलिए खुदावन का शुक्र धन्यवाद सचमुच बार बार साढ़े प्रभु का खून साढ़े वास्ते बह गया जी जो ओदा किन्ना प्यार सी साढ़े नाल कि मेरे हत्था दे बनाए हुए लोग ए नरक में ना चले जान इन्हां उत्ते जिहड़ी पाप दा डंड लगा होया आ ए पाप दे डंड विचों छुट जान अजी जो यीशु मसीह ने साडे वास्ते अपना कीमती खून बहा दिता सिर दे विचों हत्था विचों पैरां दे विचों पसली दे विचों पेट तो हर एक अंग तो यीशु मसीह का खून ताडे वास्ते ते मेरे वास्ते बह गया इसलिए सानू तय दिल तो खुदा का धन्यवाद करने की जरूरत है ओदी बहुत सारी महिमा करने की जरूरत है अजी जो खुदावन का धन्यवाद कर दे जिस प्रभु ने सानू जींदे रख के इस धरती उत्ते आज समा दिता बहुत सारे लोग इस शाम नू देखना चाहते सन लेकिन देख नहीं पाए दुनिया तो खूज करके चले गए पर प्रभु का धन्यवाद जिस खुदावन ने सानू मौका दिता असीं फिर इस भवन च इकट्ठे होके खुदा की महिमा कर पाए हाँ जी जो तुसीं बच्चों को भजन सुने किन्नी खुदा की महिमा हुई है किन्नी तारीफ हुई है इसलिए असी सिर्फ इत्थे ही नहीं कि बंदगी कर गए वो तो बाद विच भी असीं खुदा नाल जुड़े ही रहना है प्रभु दे नाल ओदी महिमा करते रहना अपने जीवन के द्वारा ओदी उस्तत करते ही रहना असी धन्यवाद करते ही रहना क्योंकि साडे प्रभु का खून साडे वास्ते बह गया
अपने जिस्म दे विच इक कतरा भी खून नहीं बचाया साडे वास्ते बह गया। उहदा महान प्यार है अजीजो। अजीजो जो बच्चों दी मावा कई बार बच्चों सट लग जाए मावा की कहिंदियां हाय मैं मर जावा कहिंदियां ने मावा कहिंदियां ना हाय मैं मर जावा तेरे एक ही हो गया। पर कोई मां मरदी दसो अज कोई मां मरी आ किसी बच्चे का बड़ा भारी भारी एक्सीडेंट हो जाते मावा कहिंदियां हाय मैं मर जावा कदी मां मरदी देखी कदी अजीजो पर ताडे ते मेरे यीशु मसीह ने मर के दिखा लिया। साडी ओ मां आ साडा ओ बाप आ साडा वड्डा भरा आ सारा जग छड़ जांदा ए ते यीशु कल्ले आ नहीं छड़दा हाथ प्यार नाल फड़दा ए ते बेड़ी पार लगाउंदा ए। अजीजो जेड़े लोग ओनू अपना हाथ फड़ा लेंदे परमेश्वर कभी भी उन्होंने हाथ छड़दा नहीं आ। अजीजो असी उहदा हाथ छड़ जाने आ असी फिर विपता परेशानियां च पै जाने आ पर साडा यीशु मसीह जदों हाथ फड़दा आ उह छड़दा नहीं आ उह असी छड़ दिंदे आ असी भुल जाने आ साडा यीशु मसीह फिर लभदा फिरदा सानूं एक पुली होई भेड़ दी तरह जिस तरह 99 नूं छड्ड के एक नूं लैण गया वह झाड़ियां दे विच फसी होई सीगी इस तरह अजीजो बहुत सारे लोग झाड़ियां विच फस गए यीशु मसीह नूं छड्ड के यीशु मसीह फिर लभदा फिरदा गली गली। अज बहुत सारे भैन भाइयों लभ के लैके आया क्योंकि उहदा प्यार आ। अजीजो उहदा की आ भैन भाइयो की है मझारी वाले हो प्यार है उहदा तुहाडे नाल इसलिए ओ 99 नूं छड्ड के ते एक जिहड़ी सौवीं भेड़ आ ना वह अज जाल विच फसी हुई सी यीशु मसीह नूं गलियां गलियां लभदा फिरदा सी अज गलियां गलियां लभ के बड़ियां भेड़ां आईयां ते इसलिए ताडा प्रभु तुहानूं प्यार करदा वह नहीं चाहुंदा कि तुसी झाड़ियां च फस के कंडियां च फस के तो प्रभु तुहानूं झाड़ियां दे विचों कढ के बचाउणा चाहुंदा जी जो इसलिए यीशु मसीह अज मझारी दीआं गलियां गलियां विच जा के भेड़ां नूं लै के आया। हालेलुया उहदा प्यार है जी जो हालेलुया हालेलुया रबा बारे सिंधा रवो साखंदा लारी बाबा बारी लारी रा 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 ओ रबा सिंधा रवो साखंदा लारी बाबा 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 ओ रबी थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया खुदावन तेरा ही धन्यवाद 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 ओ मेरे राजों दे राजा ओ मेरे महाराजा हालेलुया ओ तख्त ते विराजमान प्रभु ओ सुगासन ते विराजमान खुदावन तेरा तख्त पिंड बजारी दे अंदर लग गया खुदावंदा ओ प्रभु तेरा धन्नवाद तू स्वर्ग नूं छड्ड के प्रभु जी अपने नचीज लोगां दे विच आ गया खुदावन अज रात प्रभु अपने लोगां दे दुखां दर्दां नूं सुनण वास्ते खुदावंदा अपने लोगां दे बोझ उठाउण वास्ते खुदावंदा क्योंकि तुसी क्या है ऐ थक्यो ते पार तले दबे लोको मेरे कोल आओ मैं तैनूं आराम ते शांति देवांगा खुदावन तुसी अपने लोगां दे बोझ लैण वास्ते अज रात आ गए साडे विच खुदावंदा प्रभु असी तेरा धन्नवाद करदे खुदावन जो तेरे बच्चियां ने अपने होठां दी कुर्बानियां प्रभु जी चढ़ाइयां खुदावन बड़ी आशीष ते बरकत दे खुदावंदा तेरा दास जो दूरों चल के खुदावंदा इस पवन दे विच आके रूहां दे वास्ते खुदावन मेहनत करदे प्रभु अपने दास नूं बड़ी आशीष ते बरकत दे खुदावंदा दास दे पूरे परिवार नूं बरकत दे मेरे प्रभु जी और प्रार्थना करदी खुदा आए होए सब अजीज भैन भाइयों वास्ते जिन्हें अपने फिकर गम बोल जाके लेके आए सारियां चिंता यीशु से अपने लोगों दिया चक लो खुदा बंदा कोई बीमार आया कोई परेशान आया यीशु से अपने घर के विचों एक एक नु शांति न विद्या करो खुदा बंदा प्रभु सानू विश्वास है खुदावन प्रभु तू ही कर सकदा सब कुछ राजा जी और खुदावन जा तेरा दास खुदा वचन लेके आन अपने दास नु अगदे शोले अपना के इस्तेमाल करना दास दे मुंह ना मुंह होना प्रभु जी जे इस खराक दे तेरे लोगों ने जरूरत है अज अपने दास दे मुंह च पौना मेरे
रहे प्रभु जी, अपने दास नु सिर तो लेके पैर दिया तलियां तक अपनी सामर्थ नाल अपने बल दे नाल अपने मसना इस्तेमाल करो मेरे खुदावंदा, खुदावन दया करो, कृपा करो, एक एक ना बोल के गल बात करो पिता, दया कृपा करो, अगले समय साड़ी गवाही करो, बंदगी दे रहंदे हिस्से नूं पिता जी ताडे जोर आवार और सच्चे हाथ में सौंप दिंदे हो खुदावंदा, अगे भी साड़ी गवाही करो, डिस्टर्ब करन वाला गंदा आत्मा यीशु तेरे नाम नाल छिड़क दिंदे हां खुदावंदा, ए जगह नूं छड़ के चला जाए प्रभु जी, तेरे लोग मुक्ति पाउण, तेरे लोग निजात पाउण, तेरे लोग आजाद होके जाण खुदावंद इस पवन चो प्रभु, तेरे लोग बरकता पाके जान खुदावंद, आने समय जिंदा गवाहियां ना खड़े होण खुदावंद, एक एक दी उदासी एक एक नु छड़ के चला जाए खुदावंदा, वड्डी दया कृपा करो, तरस करो पिता, रहम करो, पूरा विश्वास है तू साडे विचकार है, साडी बेनती नु सुनिया कबूल किया, ताडे बेटे अपने मुक्ति दाता यीशु मसीह के नाम से मंग लेने हां, आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर। हालेलुया। आइए इसे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओगे और परमेश्वर का वचन सुनागे, परमेश्वर की बाणी सुनागे, खुदा सेवक अगे आएंगे पास्टर जिंदरपाल जी और अज का मैसेज अज का संदेश देंगे और परमेश्वर की बाणी आप सुना के परमेश्वर के नाल जोड़ेंगे और परमेश्वर के कोलो तुसी बरकत पाओगे, आशीष पाओगे, परमेश्वर की वडियाई होए सब बली। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब लोग चंद समय वास्ते अपने हाथ उठाइए, अपने वास्ते दुआ करिए कि अज का वचन मेरे वास्ते हुए। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद स्तुति हो। हालेलुया ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया रीबा रबा रखा रबा सिंतारा रीबा रबा रीबा रीखा रीबा 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 एन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 राजा प्रभु जी तेरा धन्यवाद 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 राजा प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद। हालेलुया 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 ओ जीसस 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 प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद राजा जी तुहाडा धन्यवाद 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 प्रभु जी वचन तुहाडा है तुहाडे वल्लों वचन बोलिया जावे। हालेलुया तुसीं इह वचन बोलण वास्ते दित्ता है तुहाडा शुक्र है। एक एक भैन भाई बच्चे वास्ते दुआ करना सब नू आशीष दिओ सब नू समझ आए सब नू बड़ी बरकत मिले किसी नू किसी गल की कमी ना रवे कोई भी घटी ना रवे स्वर्ग तो तुहाडा वचन कम करे। हालेलुया 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 सब नू बरकत दिओ सब नू बरकत दिओ यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां आमीन। हालेलुया हाँ जी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। धन्यवाद हालेलुया। हाँ जी सब नू जय मसीह की। हाँ जी जय मसीह की। सो प्रभु जी का असीं बहुत धन्यवाद करते हैं कि अज सानू समा मिलिया। हालेलुया हालेलुया सो धन्यवाद होवे प्रभु जी की वडियाई होवे और असीं बड़े ही धन्यवादी हाँ असीं प्रभु जी के बड़े ही शुक्रगुजार हैं। हालेलुया सो अजीजो प्रभु की हजूरी में जो बंदे हाँ सानू बड़ा आनंद होना चाहिए क्योंकि बाणी में ये गल बड़ी अहम हैगी है बड़ी खास हैगी है। परमेश्वर का वचन सानू सिखाता कि परमेश्वर के वचन को सुनना उसकी बंदगी करनी उसके विच रहना उसके विच चलना आनंद होना चाहिए। बोलो की लिखा है जी आनंद होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया जदों प्रभु के घर में आने अजीजो जे असी अपने फिक्र ही करी जाते हैं चिंता में ही है तो परमेश्वर इस चीज़ को देखते हैं कि मेरे घर में आके भी सोचा जिहड़ियां उदा ही काम कर रही हैं। सो प्रभु जी इस चीज़ तो प्रसन्न नहीं होंगे प्रभु जी इस चीज़ से प्रसन्न होंगे कि असी प्रभु के घर में आके हजूरी में आके प्रसन्न हो जाइए। हालेलुया हालेलुया हाथ लाइए सब हाथ लाइए प्रसन्न होकर हाथ लाइए। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। हाँ जी, प्रभु के घर आके जिस तरह असी कि सफर करना हों और असी ड्राइवर के उत्ते डिपेंड करते हैं, गड्डी विच बैठ जाते हैं और जिथे भी जाना हों, दूर जाना हो, नज़दीक जाना हो, सानू फिर चिंता नहीं होती, सानू पता है कि ड्राइवर ने लेके जाना, गड्डी ड्राइवर ने चलानी है। सो असी की करते हैं, बोलो असी की करते, सफ़र का आनंद करते हैं। सो जो प्रभु के घर में आते हैं जीजो, इस तो ज़्यादा सानू आनंद करने की लोड़ है, सारा ही आनंद जो है प्रभु के चरणों में है। बोलो हालेलुया, सारा आनंद कितने है? प्रभु के चरणों में। पातशाह दाऊद पातशाह की कह रहे हैं, परमेश्वर जिहड़ा आनंद तुहाडे चरणों में है वो तख्त उत्ते बैठ के नहीं है, तो तख्त उत्ते बैठ के आनंद नहीं है, आनंद कितने है जी? प्रभु के चरणों के विच सीखना है। जो इन गलों सीख जाते हैं तो फिर उन्होंने चीज़ों असी देख सकते हैं, उन्होंने चीज़ों असी अपने जीवन में ले सकते हैं। सो अजी जो आनंद करना है, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। सो प्रभु के कोल आ के सारे फिक्र की है छड़ देने हैं। प्रभु की बाणी में लिखा, अपनी सारी चिंता मैनू दे दियो, मैनू तुहाडा फिक्र है। हाँ जी, कोई नहीं कहता संसार कोई भी साड़ा फिक्र नहीं चुकना चाहता है, और माँ बाप भी जदों बच्चा बड़ा हो जाता है तो उन्हें कहते अपनी चिंता तू आप ही कर। माँ बाप की कहते हैं जो बच्चा बड़ा हो जाता है, जो पढ़ लिख जाता है, और माँ बाप भी की कहते हैं अपनी चिंता आप कर। सो परमेश्वर की कहते हैं, यसु मसीह ने की आख्या, अपनी सारी चिंता मैनू दे दियो। हालेलुया हालेलुया। सो कितनी खुशी वाली गल है, कितना आनंद वाली गल है जदों अजीजो इन्हां गल्लां नूं असीं अपने दिल में बिठा लवांगे, ये वचन काम करेगा। एवें नहीं है ये वचन, एवें नहीं है। कल शाम की गल है, वो भैन जी साढ़े बच्चे बैठी है, काफ़ी परेशान सके और फोन पर अपनी प्रॉब्लम दसते रहते सके, और मैं पता से इस चीज़ का भी जो भी बचन चो उन्होंने गल की, बह के गल करा बचन चो, तो भैन जी जी समस्या निकल जानी है, और जो प्रार्थना की और प्रार्थना करके बचन बोलना शुरू किया तो भैन जी का हाथ हिलना शुरू हो गया। मैं क्या, एक दो भाई और हो एक दो परसन होर भी नाल बैठे थे, मैं क्या की हो रहा है, मैं देख रहा हाँ की हो रहा है, भैन जी का हाथ हिलना शुरू हो गया, और कुछ समय तो बाद ज़्यादा ज़्यादा हो गया। परमेश्वर का बच्चा जो बोलिया गया तो भैन जी सुन रही है तो वह शरीर सारा कंब रहा है, और उस तो बाद आवाज़ा बढ़ गई हैं, और जो प्रभु के नाम झिड़किया है तो वह सारा कुछ जो अंदरों से वह चला गया। हालेलुया हालेलुया। भैन जी थोड़े बच्चे मौजूद है इस वेले, हालेलुया हालेलुया। भैन जी इस वेले थोड़े बच्चे मौजूद है, भैन जी अपना हाथ उच्चा करिए, सारे देखिए भैन जी, हालेलुया। हाँ जी, जेडे भैन जी कल प्रभु ने चंगा किया हाथ उठाइए, हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु का नाम, प्रभु का वचन सुनिए, प्रभु जी का जो वचन है एवं नहीं है, प्रभु का वचन शक्तिशाली है, सामर्थी है। वचन में लिखा जब वचन बोले जाता तो काम करके वापस आता, हालेलुया हालेलुया। इंसान के जीवन से काम करता है, जो यसु मसीह चले गए और जो यसु मसीह के ध्यान न सुनिए, जो यसु मसीह संसार उत्ते चले गए और यसु मसीह के जिहड़े चेले है वो बाद च काम करते सी, पैगाम सुनाते सी, लोगों को बाणी जाके सुनाते सी, और जो चेले जाके बाहर लोगों को सुनाते सके तो लोग इकट्ठे होकर बाणी सुनते सके, घर जाके प्रचार करते सके, चौंकों में जाके प्रचार करते सी, गलियों में जाके प्रचार करते सके, क्योंकि यसु मसीह ने आग्या दी सारी सृष्टि में जाके खुशखबरी का वचन सुनाओ। बोलो हालेलुया हालेलुया। और चेले उस वचन को लेकर चल पे, चेले जाके वचन सुनाते हैं, जगह जगह जाके वचन सुनाते, और मरकस 16 लिखा कि परमेश्वर उन्होंने नाल होकर काम करता स, लोगों के रोग निकल जाते, बीमारियां चले जाते, भूत चले जाते, और हर रोगी जोड़ा है वो यसु मसीह का नाम और उसकी बाणी सुन के आजाद हो जाती। हालेलुया हालेलुया। अज भी काम हो रहे, अज भी काम हो रहे, ध्यान देने की लड़ है, धन्यवाद करने की लड़ है, जुड़न की लड़ है, उत्ते डिपेंड होने की लड़ है, उत्ते आनंद करने की लड़ है। बोलो हालेलुया हालेलुया।
ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਜੀਜ਼ੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜੀਜ਼ੋ ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੁਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਵਰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਥੋੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਸ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਖਵਾਲਾ ਮੈਂ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਬੋਲੋ ਸਦਾ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਆਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ 12 ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਆਈਏ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 26 ਆਏ ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਝੀਲ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝੀਲ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਔਰ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਡੈਂਬਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਡੈਂਬਰ ਗਏ ਡਰ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਤਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਤਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝੀਲ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਘਬਰਾ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਭੂਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਭੂਤ ਸੀਗੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸੀ ਭੂਤ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭੇਤ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
हाँ जी पढ़िए अते डर के डंडिया उठे हाँ जी डर के डंडिया उठे ओ कबरा आके बोले पर यीशु ने चट उनानु आख्या यीशु मसीह चेले जब तो कबरा गए और डर के बोले जब तो कबरा आके बोले तो यीशु मसीह ने उनानु बोले आ हौसला रखो यीशु मसीह ने किया क्या है हौसला रखो सारे बोलो यीशु मसीह ने किया क्या है हौसला रखो आज यीशु मसीह सारी सृष्टि नु कह रहे है हौसला रखो कबराओ ना अपनी चिंता सारी मैनू दे दे सवाल लैके आंदे हो और तुहाडा सवाल जिहड़ा ओह जायज होना चाहिए ओह तुहाडी जिहड़ी जरूरत ओह जायज होनी चाहिए है तुहाडी जिहड़ी डिमांड है ओह जायज होनी चाहिए है और यीशु मसीह ओहनू पूरा करदे आ बोलो हालेलुया हालेलुया हाँ जी चेले घबराए सके यीशु मसीह ने कहा डरो ना हाँ जी मैं हाँ ना डरो हाँ जी तद पत्रस ने हाँ जी ओनू उत्तर दिता हाँ जी जदों यीशु मसीह ने बोलिया कि ना घबरावो ते चेलियां नू पता लग गया साडा प्रभु ही है हालेलुया हालेलुया चेलियां नू पता लग गया प्रभु जी है और एक उन्होंने विच जिहड़ा पत्रस चेला है उन्होंने विच ओह जिहड़ा उन्हां दा लीडर सीगा और पत्रस चेला यीशु मसीह नू गल कर रहा है पढ़िए प्रभु जी हाँ जी जे तू है कहिंदा जे प्रभु जी तू हैगा ता मैनू पानी दे उत्तो दी हाँ जी अपने कोल आउन दी आज्ञा दे बोलो हालेलुया हालेलुया पत्रस जिहड़ा चेला है उन्होंने विच थोड़ा ज्यादा अगे अगे होके गल करता सी प्रभु दे नाल कहिंदा पहला तो डर गया लेकिन यीशु मसीह ने कहा डरो ना मैं हाँ और यीशु मसीह का जिहड़ा चेला है वह कहिंदा प्रभु जी जे तुसी हैगे आ तां फिर मैनू अनुमति दिओ मैनू इजाजत दिओ कि मैं पानी तो चल के आवां हालेलुया हालेलुया हाँ जी ओने आख्या हाँ जी आ अते पत्रस हाँ जी यीशु मसीह ने अपने चेले नु कहा पानी दे उत्ते चल के आ जा और ओ पानी उत्ते की है चल पिया हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह दे कहण दे नाल पत्रस जेड़ा चेला है ओ पानी ते की है चल पिया हाँ जी बेड़ियो उतर के हाँ जी बेड़ी तो उतर के यीशु दे कोल जान नु पानी उत्ते हाँ जी तुरन लगा यीशु मसीह झील दे किनारे ते है और चेले जेड़े ओ किथे हैगे आ बेड़ी दे विच झील दे विच हैगे आ और ओ डरे सीगे और यीशु मसीह ने ना डरो और पत्रस ने जदों देखिया कि प्रभु ही है ओ कहिंदा प्रभु जी मैनूं अनुमति दिओ मैं तुहाडे कोल चल के आवां यीशु मसीह कहिंदे आ जा ओहदे अंदर विश्वास काम कर रहा मेरा प्रभु है हालेलुया हालेलुया और जदों विश्वास कीता तां पानी ते चलना शुरू कर दिता हालेलुया हालेलुया हाँ जी पर पौन वेख के हाँ जी जदों हवा चली और बड़ा हवा ने जदों धक्का मारिया इन्हां चीजां नूं जदों लहरां नूं देखिया हाँ जी डरिया और जां डुब्बण लगा हाँ जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੌਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪੌਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਅਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿਓ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ
विश्वास किया तो पानी तो चल रहा है, पानी तो चलने तो बाद जो ध्यान है वह किधर गया है जी, पानी दी लहरां वाल उसका ध्यान गया है, उन्हें देखा कि पानी के विच कितना हलचल हो रही है और हलचल देख के डर गया है। सो अजीजो सानू भी इदा हों कि प्रभु सानू बड़ी सारी बरकत देंदे है, सानू विश्वास मजबूत कर देंगे, असं प्रभु के कमां नू भी देखते हैं, प्रभु साढ़े नाल भी होंगे है, फिर भी कदें असं घबरा जाते। सो घबराना नहीं है, बोलो हालेलुया। पतरस की तरह डावाडोल नहीं होना। हाँ जी प्रभु जी मैनू बचा लै। हाँ जी की कहना हूँ, प्रभु जी मैनू की है बचा लै। हाँ जी चट येसु ने हाथ लम्मा करके हाँ जी ओनू फाड़ लिया। हाँ जी ताली बजाइए। सुनिए ध्यान ना, ओ प्रभु, ओ प्रभु है जिन्हें पानी से अपने चेले नू चलन वास्ते इजाजत दी है। हालेलुया हालेलुया। और जो डुबन लग्या तो उन्हें चीक मारी कहना प्रभु बचा लै, तो प्रभु ने हाथ लंबा करके ओनू की है बचा लिया। प्रभु ओ प्रभु है जिहड़ा सानू संभाल सकता है, सारी सृष्टि के लोगों को संभाल सकता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ जी अते उन्नु आख्या। हाँ जी यीशु मसीह ने आख्या, हे थोड़ी प्रतीत वालियो, ए थोड़ी प्रतीत वालियो, तैं क्यों परम किता, क्यों तुसी शक कर दे हो, क्यों तू शक किता। हाँ जी अर्चा ओ बेड़ी उत्ते चढ़ गए। हाँ जी ता पौन थम गई। जदों जदों यीशु मसीह भी उन्हां दी बेड़ी विच आ गए और पतरस जिहड़ा पानी ते डावाडोल सी ओह भी बेड़ी विच चढ़ गया और यीशु मसीह ने उस पौन नू उस हवा नू उस आंधी नू की किता है जी, हुक्म दिता है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने उस जिहड़ी गड़बड़ सी ओनू की है हुक्म दे दिता है। हाँ जी फिर जेड़े लोग हाँ जी बेड़ी उत्ते सन हाँ जी उन्होंने उस दे अगे हाँ जी ए आके मत्था टेकया। हाँ जी पहला तो भुलेखे च है, बोलो की कह रहे हैं जी भूत है, बोलो बोलो भुलेखे विच सीगे की कह रहे हैं भूत है। और यीशु मसीह ने जदों उन्होंने अपनी पहचान दसी कि मैं तुहाडा प्रभु हैगा, उस वेले उन्होंने शांति आ गई, शांति की इन्नी खुशी मिली कि पतरस कहिंदा प्रभु जी मैं पानी से चलना चाहना है, तो यीशु मसीह ने की आख्या आ जा। जो पानी से चल रहा है जो चलते चलते डावाडोल हो गया और जो डुबन लगा तो चीक मारी है, तो यीशु मसीह ने कहा डर ना, उन्होंने यीशु मसीह ने की है थप दिता। बोलो हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह ने जिहड़ी पानी किश्ती जिहड़ी है डावाडोल हो रही है, हवा दीयां शुकां हवा दीयां लहरां पानी दीयां लहरां जिहड़ियां किश्ती नूं डुबाउण वास्ते जा रही हैं, सो उस वेले यीशु मसीह ने सारा कुछ नूं की है थम दिता। बोलो हालेलुया हालेलुया। और चेले जिहड़े भुलेखे विच सीगे उन्होंने भुलेखा दूर हो गया और उन्होंने ये देखिया कि इहदी तां हवा पौन पानी हर चीज एदी आग्या नू की है मन दे। उस वेले उन्हां नू पता लग गया कि प्रभु महान है। बोलो हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह नू फिर की है मत्था टेकन लगे। हाँ जी की तू सचमुच परमेश्वर दा पुत्तर है। हाँ जी हुण सवाल होर कर रहे कहिंदे तू सचमुच परमेश्वर दा पुत्तर ही है। हाँ जी ओ पार लंघ के हाँ जी गंसेतर दी धरती उत्ते हाँ जी उतरे। हाँ जी ओ अगे अगे होर अगे चले गए। सो अजीजो अपने जिंदगी दे विच इस चीज़ नूं तुसी लै के चलना है कि जे प्रभु दे कोल असीं आए हां तां अजीजो ओ साडी जिंदगी दे विच वड्डे वड्डे काम कर सकदा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी साडी जिंदगी विच वड्डे वड्डे काम की है कर सकदे है। सो अजीजो जदों प्रभु साडे जीवन विच काम करदे है ते साडा फिर फर्ज है उहदा धन्नवाद करना है। असी धन्नवाद करने की बजाय असी की करते हैं असी आसे पासे देखने लग पैंदे हैं। सो अजीजो फिर साडा विश्वास जिहड़ा डावाडोल हुंदा है। सो प्रभु हमेशा ही काम कर रहे हैं, प्रभु हमेशा ही अपने लोगों नू अपने बच्चों नू अपने विश्वास करने वाले नू काम करके विखाउंदे है। सो अजीजो साडी एक जिम्मेवारी बनती है कि जदों प्रभु ने काम किया तो फिर असी उहदा धन्नवाद करिए। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी मती दी अंजील 21 दी 21 अज पढ़िए। यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दिता हाँ जी मैं तुहानू सच आखदा हाँ हाँ जी
ਬਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸਗੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਉੱਠ ਅਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਚੁਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਭ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਪੱਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਕੀ ਆ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੋ ਅਜੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਨੇ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਿਆਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸੁੱਕਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸੋ ਆਈਏ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਦੀ 23 ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਖੇ ਉੱਠ ਅਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਓ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਰਮ ਕੀਤਾ ਵਹਿਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਚਾ ਲੈ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ
इस लिए मैं तुहानू आखदा हां हां जी कि जो कुछ तुसी प्रार्थना करके मंगो हां जी प्रतीत करो जे विश्वास करके मांगदे हैं तो उना गल्ला ते बोलो की करना है विश्वास करना है हां जी जो सानू मिल गया हां जी ता तुहानू मिलेगा बोलो हालेलुया हालेलुया एक बारी प्रभु दा वचन से सुन रहे हैं बड़ा सामर्थी वचन सुन रहे हैं हाथ लाइए धन्यवाद करिए हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया प्रभु कहते जे तुसी विश्वास करदे हां मांगदे हां तो तुहानू मिल गया बोलो हालेलुया हालेलुया वचन की सिखाता है भरम नहीं करना वचन की सिखाता है शक नहीं करना बोलो वचन की सिखाता है जी शक नहीं करना जे शक करोगे तो डुबना डुब जाओगे डुबन लगोगे सो शक नहीं करना प्रभु दे ते विश्वास करना है जे प्रभु दे विश्वास करोगे समुद्र भी हिल जाएगा पहाड़ भी हिल जाएंगे वड्डिया वड्डिया तुहाडियां समस्या जिहड़ियां ओ की है हट जाणगियां बोलो हालेलुया सो आइए असीं वचन पढ़ांगे यकूब दा खत एक अध्याय हाँ जी यकूब एक अध्याय यकूब एक दी छे आयत छे सात आठ पर नेचा नाल मंगे बोलो कितना मंगना है नेचा दे नाल परमेश्वर ना यीशु मसीह ना जब तो गल करनी है तो विश्वास ना करनी है हालेलुया हालेलुया हाँ जी पढ़िए पर नेचा नाल मंगे हाँ जी कितना मंगना है विश्वास दे विश्वास ना मंगना नेचा ना मंगना है हाँ जी अति कुछ परम ना करे वैम नहीं करना कोई भी परम नहीं करना सुनिए जब असि प्रार्थना करते हैं साडे दिमाग में बहुत सारिया गल आ बड़े सारे ख्याल आते हैं बहुत कुछ होंगे उन्हें चीजा इग्नोर करना है उन्हें चीजा की करना है हटाना है हालेलुया हालेलुया उन्हें गलों बोलो की करना है जी हटाना है और परमेश्वर जो चला रहा है वो परमेश्वर जिहड़ा वड्डे वड्डे काम कर सकता है वो परमेश्वर जिहड़े धरती उत्ते आण के अपने वड्डे वड्डे काम करके लोगों नूं दिखाए और परमेश्वर दा जिहड़ा राज है उहदे वास्ते लोगों नूं तैयार किया है और परमेश्वर दे राज दे वास्ते लोगों नूं की है सिखाया हाँ जी अते कुछ परम ना करे कोई भी वहम नहीं करना कोई भी परम नहीं करना हाँ जी क्यों जो परम करन वाला हाँ जी समुंदर दी छल वर्गा है वचन में की लिखा है जेड़ा वहम करता है जेड़ा शक करता है वो समुंदर दी की है छल वर्गा है समुंदर पानी विच जदों छल होंदी है उहदा कोई भी ठिकाना नहीं है जिथों उठदी है उत्थे ही वापस बैठ जांदी है सो जे सुनिए जेड़े लोग प्रभु तो मंगते हैं उन्होंने इदा का नहीं बनना छल वर्गे नहीं बनना बोलो की करना है मजबूत बनना है हालेलुया हालेलुया बचन में क्या तुसी सयोन दे पहाड़ा की तरह मजबूत बनना है किदा बनना है पहाड़ की तरह मजबूत बनना लोग यीशु मसीह को आते थे जो यीशु मसीह संसार उत्ते थे जिन्हें भी लोग यीशु मसीह को आते थे यीशु मसीह हर एक को कहते थे तेरे विश्वास ने तेनू चंगा किया अजी जो विश्वास करना साडा काम है विश्वास करना तुहाडा काम है तुसी विश्वास करना मैं विश्वास करना और जेडियां प्रार्थना असीं करांगे ओ हो जाणगीआं बोलो हालेलुया हालेलुया सो वचन की कहिंदा है समुंदर दी छल वर्गे नहीं बनना तुहाडा विश्वास इदां दा कच्चा जिहा विश्वास नहीं होना चाहीदा हाँ जी जेड़ी पौण नाल टकराई अते हाँ जी जिहनूं हवा छल नूं उड़ा के लै जांदी है फिर बैठ जांदी है हाँ जी अते उड़ाई जांदी है हाँ जी एहो जिहा मनुख ना समझे जेड़ा बंदा शक करता है हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया वचन सिखाता है कि जेड़ा प्रभु दे विच आण के शक करता है डाउट करता है ओ बंदा किदां दा है हाँ जी पढ़िए एहो जिहा मनुख ना समझे एहो जिहा बंदा इदां ना सोचे भाई प्रभु कोलो मैनू कुछ लभेगा प्रभु दे कोलो कुछ मिल जाएगा नहीं प्रभु दे वचन ने फैसला कर दिता है वचन ने फैसला कर दिता कि प्रभु दे कोल आण के जिहड़ियां चीज़ां मंग लैंदे आ जिन्हां वास्ते दुआ करदे आ उन्हां दे वास्ते की है मजबूत बनना है हालेलुया हालेलुया
वचन दसदा जिहड़ा बंदा शक करदा ओनू नहीं मिलेगा। सो शक नहीं करना, अपने वास्ते दुआ करनी है कि परमेश्वर प्रभु जी मैं शक ना करा, प्रभु जी मैनू वहम विच ना पवां, सो मैं मजबूत बना, मैं प्रभु जी तुहाडे ते भरोसा रखा, भरोसे दे नाल चलां। और जिहड़े लोग भरोसे नाल चलदे आ प्रार्थना करदे वो अपने जीवन विच सफल होणगे। बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸੋ ਅਜੀਜ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਖਤ 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਖਤ 22 ਆਇਤ ਯਹੂਦਾ 22 ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਧਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਧਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੋਲੋ ਦਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਗਵਾਹੀਆਂ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਡੈਵਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਵਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਾਈ ਆਇਤ
ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ और नरक विच की है बोलो नरक की है अग दी की है भट्ठी है जिहड़े लोग अज परमेश्वर तो दूर हैगे है उन्हां दा जिहड़ा कह सकदे आ अंजाम हैगा उन्हां दा जिहड़ा अंतिम समा इस संसार तो जाण तो बाद विच जिहड़ा उन्हां दा जिहड़ा एक फल हैगा वह की है नरक है सो परमेश्वर दा बचन सानूं सिखाउंदा है कि बहुत सारे लोगों नूं नरक तो की है तुसीं बचाउणा है बोलो हालेलुया हालेलुया बहुत सारे लोगों नूं नरक तो की है बचाउणा है अग दी भट्ठी विचों बहुत सारे लोगों नूं की है बचाउणा है पढ़िए ਪੜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਦਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आजाद होके बंदगी करनगे परमेश्वर का वचन सानूं सिखाउंदा है कि सानूं वचन के द्वारा आजादी मिली है और असी अज आजाद हैगे और असी इस गल नूं याद रखा कि प्रभु के अधीन हैगे असी आजाद है परमेश्वर के वचन ने सानूं आजाद किया लेकिन असी प्रभु के अधीन हैगे अपने जी अपने आप नूं प्रभु के अधीन रखना लेकिन इस संसार दे विच असी बहुत सारिया चीजा तो आजाद हो चुके हैं बोलो हालेलुया नशियां तो आजाद हो गए अज बुत पूजा तो असीं आजाद हो गए अज असीं कह सकते हैं कि अपनी मर्जी नाल जिहड़ा जिहड़ी भगती करते सी वो एवें सी बेकार विच सीगे सो अजीजो सानू रिटन दे विच परमेश्वर ने वचन दिता है असीं वचन दे तरीके नाल बंदगी करिए वचन दे अकॉर्डिंग चलीए सारा कुछ असीं परमेश्वर की मर्जी नूं वचन दे वसीले नाल पूरा कर सकते हैं बोलो हालेलुया हालेलुया और परमेश्वर दे वचन दे द्वारा अजीजो चल के अपने जीवन नूं सफल कर सकते हैं सो परमेश्वर का दास संत पौलुस जी लिखते हैं कि इस मिट्टी के बर्तना के विच असी मिट्टी के बने हुए हैं हालेलुया हालेलुया मिट्टी के बने हुए हैं परमेश्वर का दास कहता इस मिट्टी के बर्तना के विच परमेश्वर ने कितनी सारी सामर्थ भर दी है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तना के विच कितनी सारी शक्ति भर दी है सो परमेश्वर की जिहड़ी शक्ति है प्रगट हुंदी है बहुत सारे लोगों को तुसी आजाद कर सकते हो इस शक्ति दे द्वारा बोलो हालेलुया हालेलुया हां जी ओना ते दया कर सकदे हो हां जी आते किन्नियां नु अग विचों तू खिच के बचाओ हां जी जेड़े लोग नरक विच जान वाले हन ओना नु परमेश्वर दे कोल लेके आओ ओना दा जीवन बदल जाए ओना दा जीवन जेड़ा ठीक जगह ते आ जाए ओ परमेश्वर दी बंदगी करके स्वर्ग दे वास्ते तैयार होण और नरक तो बच सकण बोलो हालेलुया हालेलुया सो अजीजो ए बहुत एक बड़ा काम हैगा एक बहुत बड़ी सेवा हैगी है तुसी बहुत सारे लोगों को बचा सकते हो अपनी मर्जी दे नाल नहीं परमेश्वर की मर्जी दे नाल परमेश्वर की ताकत दे नाल परमेश्वर दे कोलो अनुमति लैके जिस तरह पतरस ने यीशु मसीह तो मंगया कि मैं भी पानी ते चलां सो असी भी मंग सकते कि परमेश्वर असी तुहाडे काम नूं करना चाहुंदे हैं सानू अपनी समझ दिओ सानू अपनी बुद्ध दिओ सानू अपना वचन दिओ असी परमेश्वर दे वचन दे मुताबक उहदी समझ दे मुताबक चलीए तां जी जो असी बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को असीं नरक तो की है बचा सकते हैं बहुत सारे लोग जिहड़े दुविधा विच हन बहुत सारे लोग जिहड़े शक विच हन उन्हां दा जीवन शक विच गुजर रहा है सो अजीजो वो लोग वो कह सकते हैं स्वर्ग दे पासे तैयार होणगे और कह सकते हैं वह आशीष पाउणगे वो परमेश्वर के पुत्र बनेंगे और परमेश्वर को बरकत पाउणगे हमीरे कलीसिया के अंदर धीड़ा की कलीसिया के अंदर तुसीं गवाहियां सुन सकते हो बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाही है बहुत सारे लोग सके जिन्हों को बच्चे नहीं सी बहुत सारे लोग जिहड़े फसे हुए सी बहुत मुश्किलों में फसे हुए सी घर में आ भी बहुत चीज़ा बना के उन्होंने शिकार सके उन्होंने बिच अधीन होकर चलते सके सो परमेश्वर ने उन्होंने आजाद किया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया
सो परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों की बुद्ध खोलिया। परमेश्वर का वचन दसता जो प्रभु की मर्जी में चलते हैं वो बुद्धिमान हैं, वो बुद्ध वाले लोग हैं। सो बहुत सारे लोगों देख सकते होर भी कलिशावान देख सकते हैं और तुम पूरे वर्ल्ड के देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग बड़िया जबरदस्त उन्होंने गवाहियां हैं और बहुत सारे लोगों की गवाही है कि असी मर जाना सी, असी सुसाइड करने वाला सीगा, असी मरने ही वाले सीगे, तो प्रभु ने अपने तरीके ने सानू अपने बंदियां नू भेज के सानू बचा लिया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। सो बहुत सारे परिवारां दे परिवार जिहड़े प्रभु दे विच आ गए और जीवन विच खुशी आ गई, जीवन विच आनंद आ गया, प्रभु नाल जुड़ गए और प्रभु उन्हां नू कहिंदा मैं सदीप काल तक हर वेले तुहाडा की है रक्षक हैगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस वचन दे वास्ते असीं परमेश्वर दा बहुत धन्नवाद करिए। सानू कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सानू भुलेखा है तो परमेश्वर की बाणी विचों उस चीज़ नू असीं हल कर सकते हैं। सानू हर गल दा जिहड़ा जवाब है परमेश्वर दे वचन दे विचों मिल सकदा। बोलो हालेलुया हालेलुया। सारे लोग अपना हाथों नू उठाइए, अपना सिर प्रभु दे अगे झुका के उहदा दिल तो धन्नवाद करिए कि उहने साडे ते भेद खोलिया। अज असीं थोड़ा जिहा सिख्या है, अज जो असीं बहुत कुछ सीख सकते प्रभु दे वचन विचों, प्रभु दी बाणी दे विच। जिस तरह समुंदर हुंदा है परमेश्वर दा जो वचन है एक समुंदर दी तरह है, इहदे विच सिखण वास्ते बहुत कुछ है। जो वचन बोलिया गया इहदे विच बड़ियां सारियां डिंगियां हैं, बहुत सारियां गहरियां गल्लां उहनां नू अज नहीं सिख्या। सो प्रभु दा जदों समां आएगा प्रभु सानू इहनां सारियां डुंगियाई विच लैके जाएगा। सो आइए असीं धन्नवाद करिए। हालेलुया धन्यवाद 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 राजा प्रभु तुहाडा शुक्र है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस तुहाडा शुक्र है, ऐ प्रभु जी तुहाडा शुक्र है, आलमाइटी गॉड सेवियर तुहाडा धन्नवाद, प्रभुआं दे प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद, यसू राजा तुहाडा धन्नवाद। प्रभु जी तुहाडी स्तुति होवे, बाप तुहाडी वडियाई होवे, यसू मसीह तुहाडी महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करोगे तो जीवन के विचों कैसा तो दुख निकल जाएगा, परेशानियां चली जाएगी, सारा बोझ प्रभु जी उठा लेंगे। धन्यवाद हाँ कि प्रभु नू बोल दिए। अपना कोई भी सवाल है, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई भी परेशानी है प्रभु नू बोलिए। तो सारी संगत तुहाडे वास्ते दुआ करेगी, परमेश्वर का दास तुहाडे वास्ते प्रार्थना करेगा। धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई भी तुहाडा कन्फ्यूजन है, कोई भी तुहाडा शक है प्रभु जी दूर करना चाहते हैं। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोई भी भुलेखा है वो निकल जाना निकल जाएगा, प्रभु उस भुलेखे को दूर कर देंगे। सो अजीजो धन्यवाद करिए। हालेलुया प्रभु दे कोल मंगना चाहते हो तो मंग सकते हो। हालेलुया प्रभु जी का खुदावंद प्रभु जी का मसा तुहाडे ते काम करना चाहता है। प्रभु जी साडे विच हाजिर हैगे, प्रभु जी चंगा करना चाहते हैं, प्रभु जी मंगते हैं तुसीं चंगा हो जाओ, प्रभु जी चाहते हैं तुसीं तुहानूं खुशी मिले, प्रभु जी चाहते हैं तुहाडा हर संकट दूर हो जाए, तुहाडी हर बीमारी चले जाए। प्रभु जी यही चाहते हैं, तुहानूं सुखदायक जीवन देना चाहते हैं, आशीष देना चाहते, बरकत देना चाहते। हालेलुया अपने नाल जोड़ना चाहते। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी तुहाडा धन्नवाद करदे, पवित्र आत्मा जी तुहाडी स्तुति हो। हालेलुया पवित्र आत्मा जी तुसीं साडे विच मौजूद हो, तुसीं सब कुछ करते हो। हालेलुया एक एक दे हिरदे विच काम करते हो। हालेलुया एक एक नूं शांति मिलती है, एक एक नूं तसल्ली मिलती है। हालेलुया प्रभु जी तुसीं सारे बोझ दूर करदे हो, सारिया परेशानियां उठा लेंदे हो, तुहाडा शुक्र है। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरे संसार दे विच तुहाडा आत्मा काम कर रहा। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुहाडा दास बेनती करदा जिन्ने भी भैण भाई आए हैं सब नूं बड़ी सारी बरकत मिले, बच्चों नूं बड़ी सारी बरकत मिले और जो भी लोग किसी तरह का भी सवाल लेके आए उस नूं यीशु मसीह दे नाम विच पूरा होण च मदद करो। हालेलुया किसी की बीमारी है यीशु नाम च चले जावे। हालेलुया कोई संकट है यीशु नाम च दूर होवे, कोई बंधन है यीशु नाम च तोड़ दो। हालेलुया कोई नशे की बीमारी है यीशु नाम च तोड़ दो पिता। हालेलुया गरीबी है यीशु मसीह के नाम च तोड़ दो गरीबी का बंधन। हालेलुया आए खुदावंद कोई तुहानूं अज तक नहीं जानता उहदे वास्ते दुआ कर दे खुदावंद, उहदे बंधन नूं तोड़ दो पिता। हालेलुया उहदी बुद्ध नूं खोल दो यीशु नाम च खोल दो, यीशु
यीशु नाम च खोल दो सारी दुष्ट की ताकत सारी अंधकार की शक्ति नष्ट हो जाए। हालेलुया इस नगर उत्ते दया होवे इस नगर उत्ते दया होवे इस कलीसिया उत्ते दया होवे। हालेलुया बहुत सारे लोग बच के स्वर्ग विच जा सकन। हालेलुया स्वर्ग दे वास्ते ऐ प्रभु जी बहुत सारे लोग तैयार हो सकन। मदद करो सहायता करो सहायता करो सहायता करो तुहाडी आशीष चाहुंदे आ तुहाडी बरकत चाहुंदे तुहाडा फजल चाहुंदे। हालेलुया 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 तुसी अपने बच्चों के वास्ते अच्छा इंतजाम किया है अपनी बेटी नू प्रभु जी तुसी खड़े किया है तुहाडी बेटी और परिवार ने और इंडिया के परिवार ने खुदावंद सेवा करके आ खुदावंद तुहाडे तों बड़ी सारी बरकत लई है। तुसी बहुत सारे इंडिया के परिवार को बरकत देना चाहते और अपने इंग्लैंड वाले परिवार को बड़ा सारी बरकत देना चाहते हो और प्रभु जी बहुत सारे लोगों को आजाद करना चाहते हो बहुत सारे फसे हुए लोगों को प्रभु जी आजादी देना चाहते हो। धन्यवाद हालेलुया 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 राजा जी तुहाडा शुक्र है प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद 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 यीशु मसीह दे नाम विच मांगदे हां।